श्रीनगर में पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारियां जोरों पर हैं। इसे लेकर टूर और ट्रेवल ऑपरेटरों ने कमर कस ली है। इसके चलते हाल ही में टूर और ट्रेवल ऑपरेटर्स ने एनुअल जनरल मीट का आयोजन किया। इसका उद्देश्य सर्द मौसम में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाना है। कश्मीर टूर ऑपरेटर्स की एसोसिएशन AKTO है, जो प्रमुख संघों में से एक है, जो हमेशा कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। आपको बता दें कि पिछले 2 वर्षों से कश्मीर घाटी में रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक आ रहे हैं और टूर एवं ट्रेवल ऑपरेटर्स, होटल व्यवसायी, हाउस बोट मालिक, शिकारा और टैक्सी ऑपरेटरों सहित इस उद्योग से जुड़े लोगों ने अच्छा व्यवसाय किया है। आज यहाँ पे जो 12th एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है एसोसिएशन कश्मीर टूर ऑपरेटर्स में, तो आज मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि हमारी जो ट्रैवल ट्रेड है, दे हैव बीन इम्पोर्टेंट इन प्रमोटिंग कश्मीर ऑल अलॉन्ग दिस ईयर्स। जब से यहाँ पे शुरू हुआ, दे हैव बीन इम्पोर्टेंट प्लेयर्स इन प्रमोटिंग टूरिज्म। फ्रॉम डिपार्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हम देखिए आज भी हम महाराष्ट्र औरंगाबाद में एक IOTA का कन्वेंशन है, वी आर पार्टिसिपेटिंग देयर। तो बाकी जो हमारे ट्रैवल मार्ट्स हैं आउटसाइड द स्टेट, हर एक मेजर जो हमारी की मार्केट्स हैं वहाँ पे वी डू पार्टिसिपेट। इनफैक्ट इन इंटरनेशनल मार्केट्स ऑल्सो वी आर पार्टिसिपेटिंग इन लंडन, पैरिस, मैड्रिड। सो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम हर जगह इसकी पब्लिसिटी करें, और हमारे बहुत सारे अपकमिंग इवेंट्स भी हैं फॉर दिस विंटर सीज़न और ऑटम सीज़न के लिए, जैसे हमारा विंटर कार्निवल रहता है, टू प्रमोट कश्मीर टूरिज्म। हमारे एनुअल जनरल मीटिंग होते हैं, इसमें डिफरेंट ट्रैवल एजेंट और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडों को भी हमने दावत दी है। इसका एक ही मकसद है हमारा कि जो अपने आने वाला ऑटम है, विंटर है, उसको कैसे प्रमोट करें। इट इज फैक्ट बॉट डिस्कशन अबाउट द हाउ टू प्रमोट दिस विंटर एंड ऑटम एंड अदर। और एक सबसे बड़ा है जो अननोन डेस्टिनेशंस है, जैसे बंगस है, ग्रेज वैली है, दुधपत्री है, दूसरा इनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। अब इनका इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हमें सोचा, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब हमने गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि इनको इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर तो हर जगह है, सोनमर्ग को डिस्ट्रॉय ऑलरेडी किया हुआ है। अब ये इन जो हमारे बचे हुए डेस्टिनेशंस है, जो अभी अननोन डेस्टिनेशन, इनको भी बर्बाद न करने, क्योंकि इनको हम कहते हैं कि इनको वहाँ पर आप ऐसी एक प्लान बनाइए इसमें किस तरह की कंस्ट्रक्शन हो जो इको फ्रेंडली भी हो और हेरिटेज भी हो, हमारा कल्चर भी उसमें प्रिजर्व रहे। कश्मीर तो इट्स पैराडाइज ऑफ अर्थ है, आप कभी भी आ जाइए, इसकी अपनी अलग ही ब्यूटी है। तो एंड आई वुड से कि ये मेरी बकेट लिस्ट में काफ़ी सालों से था। कल आई सेलिब्रेटेड माई 40th बर्थडे, तो मेरा ये था कि आई वॉन्ट टू गो टू कश्मीर। सो एंड मैंने आने से पहले काफ़ी रिसर्च किया कि शुड इस सीज़न में आया जाए या नहीं, बट जो फॉल के जो व्यूज़ थे, जो ब्यूटी दिखाई थी एंड जो वो ऑरेंज लीव्स एंड ऑल दैट बैकग्राउंड, वो सोच के लगा कि वाई नॉट। स्नो की अपनी अलग ब्यूटी है, बट शायद ये ब्यूटी मैं मिस कर जाती। तो कितना अच्छा रहता है जब चाहे डिपार्टमेंट हो या टूर ऑपरेटर्स हो, कुछ ना कुछ हमेशा कोशिश करते हैं हर सीज़न में कुछ अट्रैक्टिव किया जाए ताकि पर्यटकों को एंजॉयमेंट मिले। बहुत ही अच्छा लगता है। इनफैक्ट हम यहाँ पे भी एक ग्रुप के साथ आए हैं, गर्ल्स का ग्रुप है, तो वी वुड बी कैचिंग अप विद देम। एंड उसके बाद हम अकेले भी और कश्मीर की कुछ जगहें जैसे सिंथम टॉप, डक्सुंग वाटरफॉल जैसी जगहें एक्सप्लोर करना चाहेंगे। तो आई एम श्योर एंड आई फील सेफ कमिंग हेयर, तो आई रियली वॉन्टेड टू कम। एंड हमने ये नहीं सोचा कि सिर्फ गर्ल्स गर्ल्स है, हमें लगा कि जिस तरीके से अभी टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है एंड सबका अटेंशन है यहाँ पे लोगों को लाने के लिए, वी शुड विजिट डेफिनेटली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।